एक्सटेंशन कैसे यूज का की जाती है, उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उनसे ईमेल को कैसे फंड किया जाता है, वो हम आज सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। क्योंकि लिंक्डइन का अकाउंट आपके पास होगा तो ईमेल के लिए आप एक्सटेंशन यूज करेंगे, वो यूज हो सकेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। आपने अगर लिंक्डइन अकाउंट बना लिया है तो अब हम देखते हैं कि एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करेंगे गूगल क्रोम में। सिंपल, आपने गूगल में आना है और वहाँ पे आपने यहाँ क्लिक देना है। ये दो तीन एक्सटेंशन के नाम है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक विंडो विंडो गूगल एक्सटेंशंस, इसको आपने, ये आ गई, ठीक है जी, ये इस तरह आ जाएंगे। इसको आपने, ये आ गई विंडो ईमेल, विंडो लिंक्डइन ईमेल फाइंडर, ठीक है। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है और ऐड एक्सटेंशन आपने इसको कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लीड लिपर। ये रही लीड लिपर एक्सटेंशंस, ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह ओपन करके ऐड कर लेना है। ये आ गई, इसको इसी तरह ओपन कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अपोलो। ये तीन एक्सटेंशन है आपने यूज करनी है ईमेल को फाइंड करने के लिए। इसको भी आपने इस तरह ऐड कर लेना है। इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। ये होगी तीनों एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। अब इनको ओपन कैसे करेंगे, इस तरह से आपके पास आइकॉन होगा एक्सटेंशंस के लिए। जो भी आप एक्सटेंशन को ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो कराएंगे आपको, ठीक है। इसको आपने मेंशन कर लेना है तीनों को, ठीक है। अब क्या करना है, इनको किंडो इसको ओपन कर लेना है पर। ठीक है, ये जो है ना डेली पर है, ये गूगल के साथ साइन इन होगी। ये होगी अब लॉगिन, ठीक है। अब इनको हमने कैसे यूज करना है वो आपको बताता हूँ। कोई सा भी आपने किसी भी कंपनी का नेम उठा लेना है, ठीक है। आपने इसको यूज करने के लिए किसी का भी नेम निकालना हो, उसकी ईमेल फाइंड करना हो, तो कैसे निकालेंगे, लिख लेना है आपने। ये उसका लिंक्डइन आ गया, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन होंगी तो ये खुद ब खुद ही आपको सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपने लिखना है ये लिंक आपने ओपन कर लेनी है।
तो ये आ गई किंडो, ठीक है। ये हमने इसको अब यहाँ जैसे ही लिंक्डइन ओपन करोगे तो ये लॉगिन या साइन इन यहाँ से आपसे मांगेगी, ठीक है। इसको आपने लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ईमेल के साथ इसको कनेक्ट करना है। अब ये ओपन हो गई है, ठीक है। अगेन उसको ओपन कर लेना लिंक्डइन को। अब ये शो करवाएगा आपके साथ अगर इसके पास ईमेल होगी तो। ये देखो इसने ईमेल दे दी है, ठीक है। इसके पास फोन नंबर भी है। अब इसको ओपन कैसे करना है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे तो ये स्टार स्टार कॉपी हो जाएंगे। इसको ओपन करने के लिए सेव टू लिस्ट, यहाँ पे नीचे जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पे कोई भी वर्ड आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और गेट इन्फो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो ये ईमेल आपको शो करवा देगा और साथ में इसका नंबर भी आ जाएगा अगर इसके पास होगा तो, ठीक है। इसके बाद हम लीड लीपर को देख लेते हैं। ये लीड लीपर हमने ओपन किया लिंक्डइन के ऊपर, इसको भी गूगल के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ये उसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसको अगेन इसको रिफ्रेश कर लेना, रीलोड कर लेना पेज को। ये दूसरी एक्सटेंशन थी लीड लीपर, ये खुद ओपन ही होगा। जब भी इसको ओपन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा आपको, फिर आपको ये ईमेल या फोन नंबर आपको शो करवाएगा। इसके पास नहीं था ईमेल, इसने यहाँ पे शो नहीं करवाया। अगर होता तो यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर ये शो करवा देता। ये नेम और उसका जो टाइटल है पोस्ट है वो उसने शो करवा दी, ठीक है। और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास है अपोलो, इसको भी आपने लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से लॉगिन, लॉग इन विद गूगल, गूगल के साथ इसको अटैच कर देंगे। मेल के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको आपने इसको यहाँ से आपने अलाउ कर देना है। ये हमारी अपोलो जो एक्सटेंशन है वो भी लॉग इन हो गई है, ठीक है। इसको फिर से रीलोड करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देती है। ओके, फिर से रीलोड किया पेज को। तो यहाँ से इसको रीलोड करते हैं हम फिर से। यहाँ पे शो करवाएगा अभी। ये किंडो आ गया है, इसके पास ये जैसा ईमेल चाहिए तो इसको यहाँ पे आपने, और ये फोलो आ गई है, ठीक है। इसको कैसे इस ईमेल कैसे हासिल करेंगे, तो ये व्यू क्यू आप व्यू ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने क्लिक करना है आकर। इसके पास होगी तो यहाँ पे आपको ईमेल दे देगा। इसके पास ईमेल नहीं है ना ही फोन नंबर, ठीक है। एक चीज और दूसरा ये लीड पर हम इसको यूज करके देख लेते हैं, इसके पास भी ईमेल नहीं है, ठीक है। ये तीनों में से किसी ना किसी के पास ईमेल जरूर होती है। और जो थी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो कैसे एक्सटेंशन
यूज करनी है।